अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्री टेस्ट का जो सेकंड लेक्चर्स है और सेकंड वीडियो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हमारा पहला एमसीक्यू जो इस वक्त मौजूद है, लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने मोल्स और नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और आइंस के हवाले से, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने उसको हम फाइंड करेंगे, और किसी भी फार्मूला यूनिट्स में कितने आइंस मौजूद होते हैं मोल्स के हिसाब से वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी बॉन्ड प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर के 0.5 मोल्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वाटर का फार्मूला आए और फिर वाटर का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, तो तब ये आप इसको मालूम कर सकेंगे। वाटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है H2O, और H2O का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके से हमारे पास ड्रा होगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। पहला बॉन्ड हमारे पास ये है, ये हमारे पास दूसरा बॉन्ड है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर कितने मौजूद है, 2 हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 आपके पास मौजूद है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 हमारे पास है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड जब 2 है तो आपके पास 0.5 मोल्स में कितने हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स मौजूद होंगे। तो फार्मूला ये था जो कि लास्ट वीडियो में हम इसी फार्मूले को यूज किया था, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वाटर, तो उसके लिए फार्मूला होगा एन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाकी जो चीजें हमारे पास हैं, जो आपके पास कांस्टेंट हैं, वो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, जिसमें से पहली वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त आएगी, तो 2 एन जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है और उसकी वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे हम 0.5 लिख देंगे। फिर एवोगाड्रोस नंबर है और 6.02 × 10⁻²³ हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.5 है, तो इसको हम जब खत्म करेंगे पॉइंट को तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻²³ और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब इसकी हम कैंसलिंग करेंगे, सॉरी 5 1 5 5 2 10, अब यहां पर 5 1 5 5 2 10 हो चुका, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो इस 2 को हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 1 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा 6.02 × 10⁻²³। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका जो ठीक ऑप्शन हमारे पास आएगा वो हमारे पास है 6.02 × 10⁻²³, यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है जिसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा चीज में चेंज कर दिया है कि हाउ मेनी बॉन्ड प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर्स के अगर 36 ग्राम होंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हमारे पास होंगे। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास था 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि अगर वाटर्स के मोल्स मौजूद हों, अगर उसमें बॉन्ड हमने मालूम करना है तो वो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो अमाउंट दी हुई है, यानी कि ग्राम दिया हुआ है, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। फार्मूला सेम हम यूज करेंगे, उस फार्मूले में आपके पास कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वाटर एन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल से ज्यादा है क्योंकि ग्राम से मौजूद है, तो ग्राम में एवोगाड्रो नंबर्स आपके पास होते हैं, इसलिए हम 2 से इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और चीज भी है कि हमारे पास यहाँ पर जो चीज वाटर की दी हुई है वो है अमाउंट, तो इधर तो मोल है, तो मोल का हमारे पास फार्मूला होता है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय आपके पास मोलर मास। तो गिवन अमाउंट इस वक्त जो वाटर की है वो हमारे पास है 36 ग्राम, और वाटर की जो मोलर अमाउंट होती है, यानी कि वाटर का जो फार्मूला हमारे पास है वो है H2O। अब इसका हमने मोलर मास मालूम करना है, तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इसलिए टोटल मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, यानी कि आपके पास, यानी कि एक मोल वाटर अगर हो तो उसका मास 18 ग्राम बनता है।
मोल का जो फार्मूला है वो है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास वाटर का कितना आ रहा है, 18 ग्राम हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम 18 को जो है वो आपके पास क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय आपके पास एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 और मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ रहा है। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 18 1 18 और 18 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस 2 को हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 आपके पास हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10^23 है, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 आपके पास 8 होगा, 4 0 0 हो जाएगा और 4 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 आपके पास हो जाएगा। तो 24 आपके पास इसका आंसर आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10^23 आपके पास हो चुका है। हमारे पास इसका आंसर जो आ चुका है वो आपके पास है, जब 4 को हमने 6.02 10^23 से मल्टीप्लाई किया तो 24.08 10^23 आंसर आ चुका है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन हमारे पास है तो ए बी सी डी में से वो हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा, 24.08 10^23। इस तरीके से सेकंड एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज है आज के लेक्चर्स का, तो वो इस वक्त आइंस के हवाले से, भी पहले दो एमसीक्यूज हमने बाउंड के हवाले से सॉल्व किए, अब आइंस के हवाले से सॉल्व करेंगे। तो आइंस के हवाले से है कि हाउ मेनी आइंस प्रेजेंट इन 0.1 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसके एक मोल्स के अंदर जो है वो कितने आइंस मौजूद होंगे, यानी कि 0.1 मोल्स के अंदर कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसके एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ आइंस को फाइंड करते हैं। तो फार्मूला यूनिट के अंदर जब फाइंड करते हैं तो मैं अगर लिखता हूँ कैल्शियम क्लोराइड अगर ये आयोनाइज हो जाए तो वाटर्स के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो इससे आपके पास एक तो ये वाला आयन बनेगा और एक ये वाला आयन बनेगा, लेकिन ये दो आइंस बनेंगे इस तरह के। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आइंस इसमें बन रहे हैं 2 और 1 कितने हो गए, 3 आइंस। यानी कि अगर कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें 3 आइंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो तो उसमें कितने आइंस बनेंगे, तो कैलकुलेट हमने एक लिहाज से उसे करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि कैल्शियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 आइंस बनेंगे। तो फार्मूले के अंदर जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर के साथ जितने आइंस आपके पास 1 मॉलिक्यूल से होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो वैसे सेम आपके पास फार्मूला आएगा कि नंबर ऑफ आइंस इन कैल्शियम क्लोराइड तो इज इक्वल टू वैसे आएगा n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। ये 3 आइंस वो आइंस हैं जो कैल्शियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट्स में मौजूद हैं, तो वो हमने यहां पे लिख दिए। अब इसके बाद फार्मूले में n किसको शो कर रहा है, स्मॉल n वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है जो हमारे पास गिवन है 0.1 मोल, और n है एवोगैड्रो नंबर को शो कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 आपके पास मौजूद है। देखिए इस वक्त ये पॉइंट मौजूद है, यानी कि पॉइंट्स को हमने सॉल्व करना है। तो पॉइंट को सॉल्व करने का भी आसान तरीका ये है कि पॉइंट को आप यहाँ से रिमूव कर दें और 1/10 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10^23 और मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास है। अगर आप इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 3 2 6 3 0 0 और 3 6 18। और नीचे अभी भी क्या मौजूद है, 10 मौजूद है और इधर है मल्टीप्लाई बाय 10^23। इस 10 को आप इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हमारे पास आएगा डिवाइड करने के बाद, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो आएगा 1.806 मल्टीप्लाई बाय 10^3। क्योंकि जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 0.1 डिजिट इस साइड पर मूव करेगा, एक 10 के डिवाइड होने की वजह से एक डिजिट से आपके पास आप मूव कराएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है और यही आंसर जो है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पॉइंट है वो हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि हाउ मेनी आइंस प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। देखिए जो पहला एमसीक्यूज हमने किया था और जो दूसरा एमसीक्यूज किया था, ये दो एमसीक्यूज तो बॉन्ड्स के लिहाज से थे। पहले एमसीक्यूज में हमने मोल्स के जरिए से नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाटर में मालूम किए थे, फिर हमने अमाउंट के जरिए से
नंबर ऑफ पार्ट्स वाटर में मालूम किए थे। इसके बाद हमने आइंस की तरफ आए, तो मैंने यहाँ पर कंपाउंड चेंज कर दी है। इससे पहले वाला कंपाउंड कैल्शियम हमारे पास क्लोराइड था, तो कैल्शियम क्लोराइड्स के मोल्स में हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ आइंस फाइंड किए। अब कैल्शियम कार्बोनेट्स के नंबर ऑफ आइंस हम उसकी अमाउंट में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट्स का आपको अमाउंट पता हो, यानी कि इसका मोलर मास पता हो कि इसका मोलर मास कितना हमारे पास बनता है। देखिए जो कैल्शियम हमारे पास है कार्बोनेट, कैल्शियम है 40 और कार्बन हमारे पास 12 है। वन ऑक्सीजन 16 होता है, थ्री ऑक्सीजन है, तो 16, 16, 32, 32, 16, 40, 8 हो जाएगा। अगर आप इसको 8 करते हैं तो ये आपके पास बनता है 100 ग्राम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल हो तो उसकी अमाउंट 100 ग्राम हमारे पास बनेगी। और अगर इसके आइंस भी अगर हम देख लें तो कैल्शियम कार्बोनेट्स को अगर आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं जिसमें ये डिजोल्व हो, आइंस में चेंज हो जाए, तो इससे आपके पास ये वाले आइंस बनेंगे, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस जो इसमें बने हैं वो 2 आइंस बने, यानी कि एवोगाड्रो नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ आइंस 2 हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमने पहले पढ़ा, उसके नंबर ऑफ आइंस आपके पास जो थे वो हमारे पास 3 थे। हाँ, ये यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं उसके आइंस उसके नाम के अंदर होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब एक कैल्शियम होगा और कार्बोनेट होगा। अब कार्बोनेट जो है वो पूरा ये एक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का सिर्फ एक ही मतलब आइंस आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के आप अलग कर लें, कार्बन के अलग कर लें, नहीं, ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के ही आपने आइंस लिखते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बोनेट एक मौजूद है, इसलिए ये एक काउंट होगा और कैल्शियम भी एक, तो टोटल आइन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 आपके पास हो जाएंगे। तो 2 आइंस हो गए और इसका जो मोलर मास है वो 100 ग्राम है। अब हम MCQs को सॉल्व करते हैं, सेम फार्मूला वही हम यूज करेंगे और सिर्फ कंपाउंड हमारे पास चेंज हुआ है। तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ आइंस इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके आइंस 2 हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इसलिए मैंने यहां पे 2 मेंशन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n तो मोल है और मोल का फार्मूला होता है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट की है 50 ग्राम, तो 50 ऊपर आ जाएगा और इसकी जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की जो मोलर मास है जो भी मैंने अभी लिखा था वो था 100 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो 51 जा और 52 जा हमारे पास आ रहा है और ये 2 यहां पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो इस वक्त आपके पास इस MCQs को अगर आप देखें सब कुछ कैंसिल हो चुका है, 1 1 1 बच गया है, तो आंसर आ जाएगा 6.02 10^23। तो इस MCQs का जो ठीक ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी कि 6.02 10^23 है। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट MCQs हमारे पास है और लास्ट MCQs में मैंने कंपाउंड चेंज किया है और थोड़ा सा इसका जो MCQs है उसके अंदर भी कुछ तब्दीली की है कि हाउ मेनी आइंस ऑफ अमोनियम आइन प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। यानी कि अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट हो तो उसमें हमने टोटल आइंस नहीं फाइंड करने, सिर्फ अमोनियम के आइंस फाइंड करने हैं कि अमोनियम सल्फेट अगर सॉल्यूशन में आइंस में चेंज होता है तो उसमें अमोनियम के कितने आइंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ अमोनियम के आइंस को इसमें कैलकुलेट करें तो फार्मूला कुछ यूं बनेगा, यानी कि अमोनियम अलग हो जाएगा प्लस सल्फेट अलग हो जाएगा। अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे होता है माइनस होता है। देखिए इस वक्त सल्फेट SO4 एक ही है यहाँ पर, इसकी कोई ब्रैकेट नहीं है और इसलिए इसका नंबर 1 ही है, लेकिन जो अमोनियम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है तो उसके 2 हैं क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब 2 अमोनियम यहाँ पे हैं। तो इस वक्त टोटल जो आइंस बने वो तो 3 बने हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि अमोनियम सल्फेट की ही आइंस फाइंड करें, मतलब कंप्लीट अमोनियम सल्फेट के आइंस फाइंड करें, बल्कि क्वेश्चन ये है कि अमोनियम सल्फेट के अंदर अमोनियम के कितने आइंस बन रहे हैं। तो इसके आइंस कितने बन रहे हैं, 2, यानी कि आइंस हमने इसके फाइंड कर लिए जो कि नंबर ऑफ 2 है। एवोगाड्रो नंबर से 2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम आपके पास फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपके पास सेम फार्मूला आएगा, लेकिन हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ आइंस ऑफ अमोनियम, अमोनियम के आइंस कितने हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय अब 2 आएगा क्योंकि अमोनियम के 2 आइंस है,
2 यहां पे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जो मोल्स है वो कितने हैं, 0.25 और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को खत्म करना है, जैसे मैं इस पॉइंट को खत्म करूंगा तो 25 मैंने ऊपर लिख दिया तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, आगे दो डिजिट्स हैं तो दो जीरो आ जाएंगे। एक चीज में रखें कि आपके पास जो एम्पटीट्यूड टेस्ट जितने भी आपको आते हैं तो उनके अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन खुद आनी चाहिए। तो पॉइंट की जगह पर 1 आया, आगे दो डिजिट से तो दो जीरो आपके पास आ चुके हैं। अब इनको हम कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 25 1 25 25 4 100 होता है, क्योंकि 25 और 25 जमा करेंगे 50 होगा, 50 और 50 जो है 104 आ गया आपके पास। तो इस यहां पर कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 2 4 हो गया। अब ये 2 और ये 4 भी कैंसिल हो गया, अब ये 2 बच गया, इस 2 को हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 और 2 1 2 और हमारे पास कैलकुलेशन का रिजल्ट जो आया है वो 3.01 10 पावर 23। तो इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो ये बी ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो ठीक है कि अमोनियम सल्फेट के अंदर जो अमोनियम है उसके कितने आयंस होंगे अगर अमोनियम सल्फेट 0.25 हो। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है, और इस वीडियो के हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर इसी से रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज ऐसा जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाकर जो है वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो इंशाल्लाह बाकी ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसके हैं तो उसके हवाले से बाकी वीडियोस बनाकर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। थैंक्स।